टोयोटा की दो गाड़ियों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। पहली आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर और सेकंड आती है टोयोटा इनोवा। आज की वीडियो होने वाली है टोयोटा इनोवा के बारे में, टोयोटा इनोवा का फेसलिफ्ट। अब फेसलिफ्ट नहीं, उसकी न्यू जनरेशन टोयोटा इनोवा कह सकते हो, जिसको टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी चेसी कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है। इसमें प्रीमियम फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं और इसका साइज भी इंक्रीज कर दिया गया है। डिज़ाइन तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। ऑफिशियल टीज़र पहले आप देख लीजिए, इसका डिज़ाइन, फ्रंट डिज़ाइन आपको अपर पोजिशन में हेक्सागोनल शेप में आप एक ग्रिल देखने को मिलेगी, इसके डुअल पोल एलईडी हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए जाएंगे और ट्रायंगल शेप के आपको फॉग लैंप की हाउसिंग या फॉग लैंप ऑफर करते किए जाएंगे। अब इसमें फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नवंबर 25 को ऑफिशियली ये अनवील हो जाएगी इंडिया में और इसका जो लॉन्च है वो नेक्स्ट ईयर ऑटो एक्सपो 2023 में हो सकता है। एक्सपेक्टेडली काफ़ी हाई चांसेस हैं, जो कि 13 जन से लेके 18 जन तक ऑटो एक्सपो होगा एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस बेस्ड है TNGA-C ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जिसपे टोयोटा ग्लोबली जो क्रोला क्रॉस है उस पर बेस्ड है, जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव आती है। अभी जो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा आती है वो रियर व्हील ड्राइव आती है, यानी कि न्यू टोयोटा हाई क्रॉस आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑफर करी जाएगी विद मोनोकोक प्लेटफॉर्म के साथ। और इसका जो साइज है 2850 mm होगा, जो कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से 100 mm ज़्यादा है। अगर व्हील बेस ज़्यादा है, यानी कि कैबिन में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 4.7 meters ये लेंथ में होगी। एंड इसमें आपको फीचर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। प्रीमियम फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ, 360 degree कैमरा, फैक्ट्री फिटेड पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, लार्जर इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, ऑटोमन फंक्शन फॉर कैप्टन चेयर इन सेकेंड रो, यानी कि जो सेकेंड रो में आपकी कैप्टन सीट्स होंगी उसमें आपको ऑटोमन फंक्शन मिलेगा, जो किया कार्निवल में भी ऑफर किया जाता है। जो कार के लिए आपको सपोर्ट मिलती है, कुशनिंग मिलती है, वो ये फीचर आपको, एक प्रीमियम MPV वाला फीचर आपको यहाँ पे हाईक्रॉस में ऑफर किया जाएगा। इसमें आपको ADAS के फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे, जिसको टोयोटा सेफ्टी सेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें फीचर्स आपको ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेक, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रोड साइन असिस्ट, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक हाई बीम एक्सेट्रा, बहुत सारे फीचर्स जो मैं लिस्ट यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये सेफ्टी में भी देखो, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD जैसे फीचर्स तो होंगे, इसके अलावा आपको ADAS फीचर की भी बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। अगर ADAS फीचर मिलेंगे, बहुत प्रीमियम गाड़ी होने वाली है। ट्रैक्ट ग्लॉस्टर को ये कंपटीशन देगी, 30-35 लाख तक इसका एक्सशोरूम प्राइस होगा। अब इंजन मेन इंपॉर्टेंट आता है, इसका इंजन, इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे। पहले तो 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, सेकंड इसमें मिलेगा आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। यस, इसमें आपको देखो अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर आती है, उसमें भी आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, बट इसमें आपको और भी एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको 1 मोटर की जगह ट्विन मोटर लेआउट मिलेगा, यानी आपको ज़्यादा पावर मिलेगी गाड़ी को और ऑफकोर्स टॉर्कियर नेचर होगा, इंस्टेंट टॉर्क मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो है और फ्यूल एफिशिएंसी तो आपकी ऑफकोर्स यहाँ पे बढ़ने वाली है। जैसे टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस लॉन्च होगी, इट डजंट मीन कि जो इनोवा क्रिस्टा उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, वो एक अपनी जगह MPV है अफोर्डेबल प्राइस पे, बट ये होगी प्रीमियम MPV, जिसको प्रीमियम MPV ज़्यादा फीचर के साथ चाहिए। एंड इसका कंपटीशन होगा प्राइस एंड फीचर वाइज ग्लॉस्टर और किया कार्निवल के साथ। एंड लॉन्च इसका कंफर्म नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑटो एक्सपो में बहुत सारी न्यू कार्स आएंगी, तो ऑटो एक्सपो की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।